हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12 की अकाउंटेंसी का चैप्टर 4, जिसका नाम है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर का सॉल्यूशन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 हमें कह रहा है पी क्यू आर एंड एस वर्क पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:5:2। एस रिटायर एंड हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय क्यू एंड आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। देखिए क्वेश्चन में बता रखा है पी क्यू आर एस चार पार्टनर है जिनकी ओल्ड रेशियो बता रखी है 2:3:5:2 है। एस रिटायर हो गया बिजनेस से, अब जो उसका शेयर है वो एक्वायर करा है क्यू और आर ने किस रेशियो में, 3:2 में। आपको न्यू रेशियो पता करनी है और गेनिंग रेशियो पता करनी है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो हमें गिवन है कि एस का शेयर जो एक्वायर किया है क्यू और आर ने, उसकी रेशियो हमें गिवन है 3:2 है। यहाँ पे सबसे पहले गेनिंग रेशियो क्यू का पता करेंगे, कितना गेन किया है क्यू ने। अब यहाँ पे कैसे पता करेंगे, 3/5 को रेशियो होगी जिसमें इन्होंने एक्वायर करा है, वही 3/5 को मल्टीप्लाई करना है आपको 2/12 से। 3/5 कैसे पता चला, इस रेशियो में एक्वायर करा है और यहाँ पे एस जो रिटायर हुआ है उसका शेयर 2/12 था। मल्टीप्लाई करने पे ये आपके पास 6/60 आएगा, मतलब कि इतना गेनिंग रेशियो है क्यू का। अब न्यू रेशियो पता करेंगे क्यू का, तो 3/12 तो क्या था, क्यू का ओल्ड शेयर था, प्लस कर दीजिए जितना उसने गेन किया है 6/60। एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, न्यूमरेटर में 15 प्लस 6 करेंगे तो ये 21/60 आएगा। तो ये न्यू शेयर है किसका, क्यू का। सेम इसी तरीके से गेनिंग रेशियो पता करना है आपको किसका, आर का। तो आर का जो एक्वायर्ड शेयर था वो 2/5 मल्टीप्लाई कर दीजिए 2/12 से, जो कि एस रिटायर हुआ है ये उसका शेयर था, मल्टीप्लाई करने पे 4/60 आएगा। अब न्यू शेयर आपको आर का पता करना है तो 5/12 प्लस कर दीजिए 4/60। तो 5/12 क्या है, 5/12 जो है आर का ओल्ड शेयर है, मल्टीप्लाई प्लस करना है आपको 4/60 जो कि इसने गेन किया है, किससे, एस का शेयर ने गेन किया है। अब प्लस करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेना होगा, 60 एलसीएम आएगा, न्यूमरेटर में 25 प्लस में 4 आएगा। कैसे 25 प्लस में 4 हुआ है, 4 आया, 12 के टेबल में 65 पे आता है 5/25 होगा, 60 के टेबल में 61 पे आता है 1/4 होगा, प्लस करने पे 29/60 आएगा। यहाँ पे जो आपके पास पी का शेयर होगा वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो एक्वायर किया गया था एस के रिटायर होने के बाद शेयर, वो क्यू और आर ने किया था, तो पी का शेयर 2/12 ही रहेगा। अब आपको क्या पता करना है, आपको पी क्यू आर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता करना है। यहाँ पे जो पी का शेयर है वो 2/12 है, क्यू का 21/60 है और आर का 29/60 है। एलसीएम सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो एलसीएम लेंगे, 60 एलसीएम आएगा, फिर आपके पास 10:21:29 आएगा। तो यहाँ पे आपके पास पता चल गया आपको कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 10:21:29 है और जो गेनिंग रेशियो है क्यू और आर की वो 3:2 है। तो यही हमें पता करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।